कि 12 साल से हम काम कर रहे हैं। सर 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 लास्ट थैंक यू। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। लुइसा जो हमारे बीच में युवा समाज सेविका है, खतीब साहब का भी सत्कार करेंगे। तालियां में गंदू से मत करना। आज हम मौजूद है श्रीलंका में, हनीफ जी के ऑफिस पहुंचे हैं माजी मंत्री चंद्रकांत जी। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से यहां तक पहुंचाया है वो भी हम जानेंगे। आज मौका मिला है हम लोगों से बात करने का। सर, न्यूज एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से मुमरा शहर को आपने देखा पहले और अब तक, क्या जानकारी देंगे और मुमरा शहर के अंदर MLA क्यों नहीं है अभी तक? जब यहाँ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री था जी, तभी मैं ठाणे जिले का संपर्क मंत्री था। थाना शहर से लेके मुमरा कौसा के बाद में कल्याण डोंबिवली उरबड़ तक और यहाँ मीरा भाईंदर से लेके पालघर तक, ये यहाँ का मैं संपर्क मंत्री था। तो पूरे जिले में मैं 5 साल घूमता रहता था कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, और मैंने 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत की। मुमरा में भी आता था, लेकिन आज आने के बाद में यहाँ मुझे पहले का मुमरा और आज का मुमरा, इसमें जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। जैसे कि सर, जैसा कि देखिए, ब्रिज बन रहे हैं, ट्रैफिक कम हो रही है, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है। तो उसके वजह से आज मुमरा में मुमरा की अलग ही पहचान हो रही है। आने वाले वक्त में मुमरा शहर के अंदर MLA कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, हमारी पार्टी से बात ऐसी है कि जो सरकार में बैठे हैं, केंद्र सरकार में, भारत सरकार में, जैसा मोदी साहब है, BJP, ये फिरका परस्त ताकत है, लोगों में बंटवारा कर रही है जाति और धर्म के नाम पर। इसे लोगों को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। वो हटाने के बाद यहाँ पर जब चुनाव हो जाएगा तो जो अच्छा काम कर रहा है मुमरा में, जो मेरिट के ऊपर जीत सकता है इलेक्शन, इसे कार्यकर्ता को यहाँ से MLA का और जो भी लोकसभा का चुनाव है, MLA का चुनाव है या मुमरा कारपोरेशन है, मुमरा कौसा कारपोरेशन है, उसमें जो भी हमारा प्रत्याशी रहेगा कांग्रेस पार्टी का, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे युवा नेता है, हमारे पार्टी में सभी सेल है, माइनॉरिटी सेल है, युवा यूथ कांग्रेस है, NSUI है, पेरेंट बॉडी है, ये तालुका कमेटी है, तो उसमें से जो अच्छा काम करने वाला पार्टी को दिखता है, पार्टी उसका उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगी। पार्टी ने अभी तक MLA 35 साल में मुमरा शहर के अंदर क्यों नहीं खड़ा किया? अस्सलाम वालेकुम। अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली EMI में खुद का घर, वो भी MM वैली में। MM वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली EMI में TMC में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। अलग अलग कारण होंगे, लेकिन मैंने तो अपील की है सारे हमारे कार्यकर्ताओं को कि आपसी मतभेद बाजू में रखो जी, फिरका परस ताकत को अपने को नबूद करना है। ये आप सारे लोग इकट्ठा रहेंगे तो मजबूत हो जाएगी और हमारा MLA भी आएगा। यदि आपको मौका मिलता है 2024 के अंदर MLA खड़ा करने का, तो फिर कौन सा मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे आप? जो आम मुद्दे है, यहाँ के जो लोकल मुद्दे है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मुद्दे है, यहाँ पर जो फिरका परस ताकत को खत्म करने का मुद्दा है, सबसे बड़ा अहमियत मुद्दा है वो, सारे मुद्दे को, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ के डेवलपमेंट हो, यहाँ का भाईचारा, अमन, सद्भावना कायम करने के लिए जो प्रयास है,
वो करने वाला कार्यकर्ता कलवा मुंडा के विधायक है, 12 साल से कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं और जीत के भी आते हैं वो। अब उन्होंने टोरेंट का ऊपर इशू उठाया, अब सबसे बड़ा सवाल बन गया मुमरा शहर के अंदर टोरेंट। आपकी पार्टी अगर जीत के आएगी, कब आएगी पता है? जब टोरेंट भगा देगी तब आएगी जीत के। सबसे बड़ा मुद्दा है टोरेंट का। ठीक है, अभी क्या कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे कुछ अलायंस इंडिया आघाड़ी के लोगों का एक महाविकास आघाड़ी है। अगर आघाड़ी होती है तो आघाड़ी की तरफ से कौन प्रत्याशी रहेगा, और आघाड़ी नहीं होती है तो हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी खड़ा रहेगा, वो तो आगे आने वाली सोचने की बात है। आखिरी सवाल है, अब आप कैसा ऊपर अपील करेंगे? मुमरा शहर को देखा, आपका कई बार दौरा हुआ है, तो अभी कैसा उनको सुना? जल्द से जल्द एमएलए कैंडिडेट यहाँ पर दिया जाए। मैं पार्टी का कार्याध्यक्ष हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, और मैं CWC का भी मेंबर हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे साथी जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, नाना पटोले जी से, उनसे बात करूंगा कि मुमरा की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुमरा में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़नी चाहिए, और इसका डेवलपमेंट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी काम में आगे काम करना चाहिए। जो इसमें काम करेगा उसके बारे में मैं सिफारिश करूंगा। दो शब्द में, यहाँ पर मैं मुमरा में आया हूँ, हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई है, बहन है और सभी जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पर, तो मुमरा का विकास, मुमरा कौसा का विकास सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए, और भाईचारा अमन कायम कायम करने के लिए सब लोगों ने मिलजुल के काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यही इप्सित है। थैंक यू। शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय भीम। ठीक है, आज हमारे माजी पूर्व मंत्री जो है समाज कल्याण मंत्री थे, जो आज महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस के CWC वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, और हमारे दोस्त नबीउल्ला अंसारी मायनोरिटी के सेक्रेटरी है, वहां पर थाना कांग्रेस मायनोरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस का एक जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग उनका खड्डी का, उन्होंने खड्डी रोड के ऊपर नूर कॉम्प्लेक्स में किया। अच्छा, जागीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमारी न्यूज कवर करने आए, अपना कीमती टाइम निकाल के। अभी नूर भाई हमारे अध्यक्ष माइनॉरिटी अध्यक्ष हाजी नूर खतीब साहब ने अपने हाथों से वर्किंग प्रेसिडेंट, थाना वर्किंग प्रेसिडेंट का मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया हुआ है विक्रांत चौहान साहब की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम की, हनीफ भाई हमारे माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे अभी जो नए हमारे एक साथी जुड़े हैं नबीउल्ला अंसारी साहब, जिनकी आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है हंडूरे साहब के हाथ से, तो इंशाअल्लाह ताला वापस से 92-95 में जो कांग्रेस का घर था मुमरा, हमारी कोशिश नूर भाई के नेतृत्व में हमारे जो भी छोटे बड़े भाई और जो सीनियर हैं सबको लेके चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वापस कांग्रेस का परचम पूरे मुमरा में इंशाल्लाह लहराएंगे।